एक बार एक राजा भ्रमण पे गया, भ्रमण पे रास्ते में उसका बटन टूट गया। राजा तो राजा, बटन टूटा तो मंत्री से कहा कि हमारा बटन टूट गया, कोई दर्जी हो तो लाओ। गांव का एक, गांव में फंसे थे, गांव का एक दर्जी आया, उसने कहा आपकी आज्ञा हो हुक्म तो हम आपका बटन लगा दे। हाँ हाँ लगा दो लगा। राजा के बटन को दर्जी ने लगाया। राजा ने कहा मांगो कितना क्या चाहिए। दर्जी, सस्ता जमाना, 10 पैसे में बटन लग जाता था, 10 पैसे में। दर्जी ने सोचा राजा है, 2 रुपया मांग लेते, 2 रुपया मांग लेते, राजा है, अब उसके लिए तो 2 रुपया बहुत बड़ी बात। लेकिन उसने सोचा एक बार गुरुजी से पूछे, गुरुजी के पास गए। गुरुजी, राजा ने कहा है बटन मांग लगाया हमने, वो कह रहा है मांगो, क्या मांगे। बोले मूर्ख हो, जो मांगना है राजा से कह दो, जो तुम्हें उचित लगे सो दे दो। वह वापस आया दर्जी, राजा ने कहा मांगो, क्या सलाह लेकर आए, क्या चाहिए। दर्जी बोला हुजूर क्या मांगे। मन में सोचा 10-20 रुपया भी मांगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको जो उचित लगे, जो हमारा मेहनताना उचित लगे सो हमें दे दो। राजा ने सोचा हम राजा हैं, कम देंगे लोग हंसी करेंगे, बड़ा कंजूस है। बड़े लोगों को एक और बड़ी दिक्कत होती है, बड़े लोग कुछ इसलिए भी दान नहीं देते कि उन्हें यह दिक्कत होती है कम ना देने, कहीं हम कंजूस ना हो जाएं। हाँ, तो राजा ने कहा क्या कम देवे। तो राजा ने सोचा इसने काज और बटन तो लगाई है, बोले भैया हम तुम्हें 2 गांव का मालिक बना रहे हैं। इस कथा का भावार्थ यह है कि दर्जी अपनी औकात से मांगता तो 2 रुपया मांगता और राजा के ऊपर छोड़ दिया तो 2 गांव का मालिक बन गया। यही हम लोगों का है, हम प्रभु से मांगेंगे तो अपनी औकात अपनी क्षमता से मांगेंगे, अगर भगवान पर छोड़ देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से देंगे, और देंगे तो सुदामा की तरह देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। पर एक बात और, भगवान से मांगना क्या चाहिए यह भी एक प्रश्न है। भगवान से क्या मांगना चाहिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र के पागलों अगर हमसे पूछो तो हम तो एक बात बोलेंगे, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। हा, 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 बाकी सब नाशवान है, भगवान ही शाश्वत है, तो भगवान से क्या मांगो, भगवान से भगवान को ही मांग लो। लेकिन आजकल का आदमी इतना खतरनाक है, हनुमान जी ही बचाए, ये मंदिर में जाता है आरती गाता है, नहीं चाहिए धन और दौलत ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखियों के दुखड़े सावारी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मंदिर में जाएगा जगदीश भगवान के मंदिर में, वहां भी भगवान से कहेगा तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, मंदिर में अंदर करता जो कुछ है सो तेरा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता सो कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, ये मकान है मेरा, ये लुगाई है मेरी। बताओ कितना दोगला आदमी है, कितना विचित्र आदमी है, कितना विचित्र आदमी है। मंदिर में कहता सब तेरा, बाहर आकर के कहता मेरा। हमें तो बड़ी हंसी आती है, आजकल तो उल्टी आरती तो उल्टी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आरती, बदल देना चाहिए, आज का जो जमाना है ऐसे होना चाहिए। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। हो
आजकल तो यही आरती फिट बैठती है, लेकिन भैया हम लोग कितने विचित्र हैं। भगवान से कहते सब तेरा, बाहर आकर के कहते मेरा। मेरे प्रिय जनों, हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे, भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्यों? गुरु से गुरु को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? शक्कर की खान घर पर हो तो शक्कर खरीदेगा कौन? बोलो जय बजरंगबली।